नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बैंगन की खेती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी 10 पॉइंट के आधार पे, जिसमें से पहली जो जानकारी होगी बैंगन की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, वही दूसरी उपयुक्त जलवायु बैंगन की खेती के लिए, तीसरी बैंगन की खेती के लिए तापमान कितना होनी चाहिए, वही चौथी जानकारी बैंगन की कौन सी उन्नत किस्में लगाए जिसकी पैदावार सबसे ज़्यादा है एवं कम से कम समय में तैयार हो जाती है, वहीं पांचवी नंबर की जो जानकारी है आपको दी जाएगी बैंगन के खेत की तैयारी कैसे करें, और वही अगली जानकारी की बात करें तो आपको खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितना डालें, वही सातवीं जानकारी की बात करें तो बैंगन की पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका क्या है, और आठवीं जानकारी बैंगन की पौधे की सिंचाई, और नौवीं जानकारी बैंगन की पौधे में खरपतवार नियंत्रण, एवं दसवीं जानकारी बैंगन की पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। अगर इस 10 पॉइंट को आप पूरा देख लेते हैं, इस वीडियो को अगर यह 10 पॉइंट समझकर बैंगन की खेती करते हैं तो आपके बैंगन में किसी प्रकार की ना तो रोग आएगी और ना ही आपको अधिक समय लगेगा बैंगन को तैयार करने में। तो जल्द तैयार करना है, अधिक उत्पादन लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में बताई गई हर एक तरीका को फॉलो करें। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो बैंगन की उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो ऐसे तो आप बैंगन की खेती किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिक उत्पादन लेनी है तो इसके लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी का होना जरूरी है। इसकी जो बैंगन की खेती जो है, आप किसी खास तरह की भूमि की ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी भूमि है और भूमि का पीएच मान 5 से 7 के बीच है तो आप अच्छी तरीके से बैंगन की खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलना स्वाभाविक है। दूसरी नंबर पे बात कर लेते हैं जलवायु की, तो बैंगन की जो पौधे हैं, सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसकी जो हानि पहुंचाता है तथा इन्हें अधिक वर्षा की जरूरत नहीं होती है। टेम्परेचर यानी कि तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास करता है बैंगन की पौधा। अब जो बात करते हैं बैंगन की उन्नत किस्में, कौन सी उन्नत किस्में लगाए जिससे आपको अधिक पैदावार मिले और साथ ही कम समय में तैयार हो जाएगा। तो बैंगन की कई सारे उन्नत किस्में हैं किसान भाइयों, जो कि आकार, रंग और पैदावार के हिसाब से उगाने के लिए तैयार किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले नंबर पर जो वैरायटी है स्वर्ण शक्ति, यह एक संकर किस्म है जिसमें निकलने वाले पौधे की लंबाई 2 से 3 फीट की होती है। स्वर्ण शक्ति जो बैंगन की किस्में है, इसका फल का आकार जो होती है लंबे और चमकदार बैंगनी रंग के होते हैं। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 700 से 750 क्विंटल की पैदावार देती है। उसके बाद जो अगली किस्म है दूसरी नंबर पे, वह है स्वर्ण श्री। यह किस्म भी आपको 2 से 2.5 फीट लंबा होता है, इसका जो शाखाए होते हैं काफी ज्यादा निकलती है और इसकी उत्पादन की बात करें तो 500 से 600 क्विंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर आपको इस वैरायटी को, स्वर्ण श्री को लगाते हैं तो मिल जाएगी। और लेकिन इसका जो रंग है वो सफेद होता है। और अगली नंबर पे बात करें किसान भाइयों, पूसा हाइब्रिड 5, यह जो किस्म है अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जाता है। इस किस्म की जो पौधे हैं, फल देने में 80 दिन का समय लग जाता है। इसमें निकलने वाले फल लंबे तथा गहरे बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। तो ये रही कुछ उन्नत किस्में जिसकी ज़्यादा डिमांड है, कम समय में तैयार हो जाती है और साथ ही अधिक पैदावार भी देती है। अब बात करेंगे बैंगन की खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। बैंगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से आपको गहरी जुताई करनी है। इससे खेत में जो मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से जो पदार्थ है वो नष्ट हो जाएगी। खेत की जुताई के बाद आपको खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना है, धूप लगने देना है। इसके बाद खेत में खाद की मात्रा देने के लिए 15 गाड़ी आपको सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। गोबर की खाद के स्थान पर आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी दे सकते हैं। खाद जो खेत खाद में डालने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से आपको 2 से 3 बार जुताई कर देनी है। इससे खेत की जो मिट्टी है वो गोबर खाद अच्छे से मिल जाएगी। खाद को मिट्टी में मिलने के बाद खेत में जो पानी लगाकर आपको प्लेवे कर देना है। प्लेवे के कुछ दिन बाद खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब आपको रोटावेटर लगाकर जुताई कर देना है। इससे खेत की मिट्टी मौजूद मिट्टी की जो भी ढेले है वो टूट जाएगी और मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद पाटा लगाकर आपको खेत को समतल बना लेना है।
उसके बाद बात करते हैं बैंगन के पौधे की रोपाई का सही समय। तो बैंगन के पौधे की रोपाई बीज के रूप में न करके आपको पौधे के रूप में किया जाता है। इसके लिए पौधे की किसी सरकारी रजिस्टर नर्सरी से आपको नर्सरी जो बैंगन की पौधा होता है वो खरीद सकते हैं या आप खुद इनका पौधा तैयार कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे में सिंचाई की। तो बैंगन के पौधे में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधे पहली सिंचाई पौधा रोपाई के तुरंत बाद करनी होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को 3 से 4 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी पड़ती है। वही सर्दियों का मौसम है इसके पौधे 10 से 15 दिन के अंतराल किया जाता है सिंचाई। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बैंगन के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल आपको निराई गुराई विधि का करना है। बैंगन के पौधे में लगने वाले रोग की बात करें तो इसमें कई प्रकार की रोग लग जाते हैं, जैसे हरा तेला कीट रोग, फल छेदक रोग, झुलसा रोग। तो इन सभी रोगों पर आपको ध्यान देना है और इसका नियंत्रण करना है। तो ये रही बैंगन की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। और इस वीडियो को और भी किसान भाइयों तक शेयर करें।